पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में जवाज थाना प्रभारी हिमांशु मिंडिया ने अब तक अनेक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने में जहां उनका जवाब नहीं है, वहीं अन्य प्रांतों में जाकर आरोपियों को खोज निकालने में उनका कोई आसानी नहीं है। उन्होंने एक बार अपनी हुनर से विभाग का सिर ऊंचा किया है। बताया गया है कि उन्होंने डीजल चोरी करने वाले गिरोह के मंसूबों पर पानी फेरते हुए लगभग 13 लाख कीमती का डीजल बरामद किया है। बताया गया कि आगामी त्रिस्तरीय चुनावों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी हिमांशु बिंडिया द्वारा पुलिस टीम के साथ पेट्रोलिंग की जा रही है। रात्रि 2:30 बजे के लगभग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बिना कानपुर लाइन से अज्ञात चोर डीजल चोरी कर ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर उन्होंने तत्काल छापेमारी कर डीजल से भरा ट्रक बरामद किया है। पुलिस को देखकर आरोपी घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गए हैं। अभी दिनांक 20-21 के दरमियानी रात करीबन 2-3 बजे की बात है, मुखबिर द्वारा थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ईसोन के पास में जो बीना रिफाइनरी से कानपुर के लिए डीजल पाइपलाइन निकली है अंडरग्राउंड, वहाँ से गड्ढा खोदकर डीजल पाइपलाइन से टैंकर में चोरी से डीजल भरकर ले जाने की फिराक में, जो उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, परंतु जो डीजल टैंकर वहाँ भरा हुआ था उसे चेक किया, जिसके अंदर करीब 17,000 लीटर डीजल भरा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपए है, जिसको मौके पर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 379 का मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की तलाश अभी जारी है।